नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। सलमान खान को बड़ी राहत, निचली कोर्ट की सजा निलंबित। हिट एंड रन मामले में बंबई हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा सलमान को दी गई 5 साल की कैद को निलंबित कर दिया है। सलमान की सजा पर आगे की सुनवाई जून में कोर्ट की गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद होगी। सलमान की तरफ से शुक्रवार को हरीश सालवे की जगह वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने केस की पैरवी की। सलमान खान के प्रशंसक ने कोर्ट में जहर खाया। सलमान खान के एक प्रशंसक ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय के बाहर जहर खाकर कथित तौर पर खुदकुशी करने की कोशिश की। उस समय कोर्ट में सलमान मामले की सुनवाई चल रही थी। पटकथा लेखक बनने के लिए संघर्ष कर रहे मुंबई के उपनगर बांद्रा पूर्व क्षेत्र के निवासी गौरंगो कुंदू ने वहां वितरित किए एक इश्तहार में कहा कि उसे उम्मीद थी कि सलमान उसे उसकी प्रतिभा दिखाने में मदद करेंगे, लेकिन यदि उन्हें जमानत नहीं मिली तो उसका सपना बिखर जाएगा। मुसीबत में एमएफ धोनी, देना होगा जवाब। टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अवैध प्लाट के एक मामले में झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड ने नोटिस जारी किया है। धोनी को इसका 15 दिन के अंदर जवाब देना है। खबरों के मुताबिक धोनी को गैर कानूनी तरीके से यह प्लाट आवंटित किया गया है। 2006 में राज्य सरकार ने धोनी को हरमू रोड में करीब 4000 वर्ग फुट जमीन आवंटित की थी। इसके बाद बगल की 4300 वर्ग फुट जमीन को कट प्लॉट बताकर फिर से धोनी को 2007 में आवंटित कर दिया गया। सीरिया में फिर रासायनिक हमला। सीरियाई कार्यकर्ताओं और एक डॉक्टर ने उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलिब में नए संदिग्ध रासायनिक हमलों की जानकारी दी है, जिनके शिकार बने दर्जनों लोग सांस लेने में तकलीफ से पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष बयान देने वाले डॉक्टर मोहम्मद तेनारी ने कहा कि प्रांत में कम से कम 3 अलग अलग हमले हुए हैं, जिनकी चपेट में लगभग 80 लोग आए हैं। खबरों में कहा गया है कि सरकारी हेलीकॉप्टर ने गुरुवार को जानो उदीह, कंसफरा और कफरवाथेक नामक गांवों में क्लोरीन युक्त बैरल बम गिराए। व्यापम घोटाले में एक और आरोपी की मौत। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में एक और आरोपी की छत्तीसगढ़ के कांकेर में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। विजय सिंह पटेल नामक इस व्यक्ति की मौत के बाद इस मामले में अब तक 7 आरोपियों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर घोटाले के गवाह प्रशांत पांडे की कार को इंदौर बाईपास पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में प्रशांत पांडे पत्नी और अन्य परिजनों को चोटें आई हैं। पांडे ने ट्रक चालक पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।